और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक आसान लोरी ग्लैम मेकअप लुक। पर हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे बी ब्यूटीफुल चैनल को सब्सक्राइब करें और लगे हाथ रिंग द बेल आइकन ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहो एवरी टाइम वी पोस्ट अ न्यू वीडियो। ओके, सो मैं मेकअप की शुरुआत करूंगी बाय क्रिएटिंग अ फ्लॉलेस बेस यूजिंग द लैक्मे एब्सोल्यूट स्किन ग्लो सीरम प्राइमर। ये एक 2-in-1 प्रोडक्ट है जो सिर्फ एक प्राइमर नहीं बल्कि एक मॉइस्चराइजर भी है। इसका मतलब है कि ये आपके पोर्स और फाइन लाइंस को ब्लर करता है, साथ ही एक हाइड्रेटेड और प्लम स्किन भी अश्योर करता है। अब फाउंडेशन लगाने का टाइम है और मैं लैक्मे एब्सोल्यूट ल्यूमिनस स्किन टिंट फाउंडेशन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एक शीयर लाइट रिफ्लेक्टिंग स्किन टिंट है जो बिल्कुल वेटलेस और अल्ट्रा ब्लेंडेबल है। ये लिटरली स्किन में घुल जाता है और आपको एक लिट फ्रॉम विद इन ग्लो देता है। अब इसके बाद जो स्किन इम्परफेक्शन जो फाउंडेशन लगाने के बाद भी नजर आ रहे हैं उन्हें मैं छुपाऊंगी विद लैक्मे एब्सोल्यूट इंस्टेंट एयरब्रश कंसीलर पेन से। इस कंसीलर का फॉर्मूला लाइट वेट है और इसके ब्रश टिप से आप आसानी से इम्परफेक्शंस को छुपा सकते हैं जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाती है, एक इवन टोन और एयरब्रश्ड ऑलमोस्ट जैसे कि फिल्टर का इफेक्ट हो। फिर बेस को सेट करूंगी यूजिंग द लैक्मे एब्सोल्यूट लूज फिनिशिंग पाउडर। पाउडर को लगाते वक्त प्रेस एंड रोल टेक्निक का इस्तेमाल करें ऑन ऑयल प्रोन एरियाज सच एज द टी जोन सो दैट द रेस्ट ऑफ द फेस स्टिल रिमेन्स ड्यूई। अब आई मेकअप की बारी आती है। सो यूजिंग द लैक्मे एब्सोल्यूट स्पॉटलाइट आई शेडो पैलेट इन द शेड स्मोकिंग ग्लैम, मैं ये शेड यूज करूंगी एज अ ट्रांजिशन शेड। ट्रांजिशन शेड के बाद मैं स्लाइटली पॉइंटेड ब्लेंडिंग ब्रश का यूज करके एक ब्राउन शेड लगाऊंगी आंखों के इनर कॉर्नर्स और आउटर कॉर्नर्स पे, लीविंग द सेंटर ब्लैंक। एक फेस्टिव टच के लिए मैं आंखों के बीच ऐड करूंगी द लैक्मे एब्सोल्यूट एक्सप्लोर आई पेंट इन द शेड ग्लिटरिंग गोल्ड डस्ट। इसका क्रीम टेक्सचर एक हाई शिमर इफेक्ट देता है विदाउट ट्रांसफरिंग और क्रीजिंग। फिर मैं लाइन करूंगी अपर लैश लाइन को विद द लैक्मे आइकॉनिक काजल इन द शेड डीप ब्लैक और उसे अच्छे से स्मज करूंगी ताकि एक सीमलेस लुक मिले। आखिर में लोअर लैश लाइन के लिए मैं मिक्स करूंगी इन दोनों शेड को और एक स्मज ब्रश का यूज करके पूरे लोअर लैश लाइन को लाइन करूंगी। अब मैं यूज करने वाली हूँ द न्यूली लॉन्च मस्कारा विच इज द लैक्मे लैश बूस्ट एक्सट्रीम मस्कारा। इसके कोन टिप ब्रश में 290 प्लस लंबी और छोटी ब्रिसल्स हैं जो छोटे से छोटे लैश को भी स्कल्प्ट और लिफ्ट करते हैं। बस थोड़ा विगल और स्वाइप करो एंड यू विल सी योर लैश इंस्टेंटली लेंथन। और हाँ, ये मस्कारा वाटरप्रूफ भी है विच इज समथिंग आई ऑलवेज लुक आउट फॉर इन अ मस्कारा। अब आईब्रोज को फिल करने का टाइम आया है। मैं अपने फेवरेट ड्रॉ पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये है द लैक्मे एब्सोल्यूट माइक्रो ब्रो परफेक्टो। इस आईब्रो पेंसिल की फॉर्मुलेशन लॉन्ग लास्टिंग और स्मज प्रूफ है और अगर आप वेल डिफाइंड आईब्रोज चाहते हो तो ये पेंसिल परफेक्ट है क्योंकि इसका अल्ट्रा फाइन टिप माइक्रो ब्लेडेड इफेक्ट क्रिएट करता है। अब इट्स टाइम टू ऐड दैट एफर्टलेस हिंट ऑफ कलर ऑन द फेस। आज मैं यूज कर रही हूँ द लैक्मे एब्सोल्यूट शियर वेलवेट मैट चीक मूज ब्लश। दिस ब्लश इज लाइट वेट एंड हैज बिल्डेबल फॉर्मूला दैट ब्लेंड सीमलेसली डिलीवरिंग अ शियर फ्लश्ड चीक लुक। लोरी के त्यौहार में हाइलाइटर का इस्तेमाल एक ग्लैमर टच देता है जो फेस्टिव मूड को एनहांस करता है और स्किन पे एक ल्यूमिनस इफेक्ट देता है। तो मैं यूज करूंगी द लैक्मे एब्सोल्यूट लिक्विड हाइलाइटर इन द शेड आइवरी। बस इसे आप चेहरे के हाई पॉइंट्स पे लगाएं। ये हाइलाइटर मेरी स्किन में बिना किसी अनइवननेस के अच्छी तरह घुल जाता है, गिविंग दैट ल्यूमिनस ड्यूई लुक। टू एनहांस माई मेकअप लुक एंड एम्ब्रेस द वाइब ऑफ लोरी आई एम यूजिंग द लैक्मे ग्लिटरार्टी कलेक्शन शाइन लिपस्टिक इन द शेड रूबी रेड। इसका रिच और इंटेंस फॉर्मूला बहुत आसानी से लिप्स पर ग्लाइड हो जाता है और लिप्स पर बहुत लंबे समय तक बना रहता है। सो गाइज, कैसा लगा आपको ये लोरी ग्लैम मेकअप लुक? कॉमेंट्स में मुझे बताएं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे बी ब्यूटीफुल चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो मेक श्योर टू रिंग द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोरी। बाय।